हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर मोटिवेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार एग्जाम में एक नंबर पेपर वन में और एक नंबर पेपर टू में आता है सीटेट के। तो मोटिवेशन क्या है? किसी कार्य को शुरू करना, उसे जारी रखना तथा उसे पूर्ण करने की ऊर्जा ही अभिप्रेरणा है। ये गुड की दी हुई परिभाषा है। और भी बहुत तरह की परिभाषा दी गई है, लेकिन परिभाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा क्योंकि परिभाषा से तो क्वेश्चंस आते नहीं है सीटेट में। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको समझना। मोटिवेशन को अगर किसी एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं तो वो वर्ड है नीड। और ये आया हुआ क्वेश्चन है कि मोटिवेशन को अगर किसी एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं तो वो कौन सा वर्ड है? वो है नीड। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तभी हम किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेट होते हैं। ठीक है, जब तक आवश्यकता नहीं होगी, अगर भूख नहीं लगेगी तो हम लोग खाना खाने का इंतजाम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आवश्यकता होती है किसी चीज़ की, तभी हम लोग कुछ करने के लिए मोटिवेट होते हैं। दो तरह की नीड होती है, एक प्राइमरी बायोलॉजिकल और एक सेकेंडरी सोशियोजेनिक। बायोलॉजिकल क्या है? बायोलॉजिकल नाम से ही पता चल रहा है, माँ बाप से जो जब हम पैदा लेते हैं, जीन से जो हमको मिलता है, उसी को बायोलॉजिकल कहते हैं। तो ये वो नीड है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जैसे हमें सांस लेने के लिए चाहिए हवा, ऑक्सीजन, जैसे हमें खाने के लिए चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ज़रूरी है, जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रहेंगे। ठीक है, और सोशियो जेनिक नीड क्या है? जो बाद में हमें समाज से मिलता है, जैसे कि रोजगार, ये सब चीज़ जो है बाद में समाज के द्वारा मिलता है। ये ना भी मिले तो आदमी जिंदा रह जाए। ठीक है, जो ना भी मिले तो आदमी जिंदा रह जाए वो होता है सोशियोजेनिक, और जो ना मिले तो जिंदा ना रहे वो होता है बायोलॉजिकल। ठीक है, अब मोटिवेशन कितने तरह के होते हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी पे आते हैं। ठीक है, मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं? मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल इंट्रिंसिक भी इसको बोलते हैं और एक एक्सटर्नल एक्सट्रिंजिक भी बोलते हैं। इसको आंतरिक भी बोलते हैं, आंतरिक, और इसको बाह्य भी बोलते हैं। आंतरिक वो होता है जब बच्चा को कोई काम करने में खुद मन लगता है। ठीक है, जब उसको कुछ नया सीखने का शौक है, कुछ करने का अंदर से इच्छा है। जैसे कोई बच्चा अपना होमवर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको होमवर्क करने में मजा आ रहा है। ठीक है, कोई काम करने में उसको मजा आ रहा है। नया लैंग्वेज इसलिए सीख रहा है क्योंकि नया लैंग्वेज सीखने में उसको मजा आ रहा है। तो वो हुआ इंट्रिंसिक। और बाह्य क्या होता है? जब रीजन बाहर हो। इसमें क्या है? रीजन अंदर है, रीजन अंदर है। मोटिवेशन का जो कारण है वो अंदर है, और इसमें मोटिवेशन का जो कारण है वो बाहर है। जैसे कोई रिवार्ड के लिए काम कर रहा है, रिवार्ड के लिए काम कर रहा है, प्रेज के लिए काम कर रहा है कि मम्मी पापा उसका प्रेज करेंगे, अरे मेरा बेटा कितना अच्छा है, स्कूल में उसको रिवार्ड मिलेगा। टॉप करने के लिए कर रहा है कि मैं पढ़ूंगा तो टॉप कर जाऊंगा। ये सब बाहरी मोटिवेशन है। ठीक है, अंदर से मोटिवेशन जो होता है वो ज्यादा दिनों तक बना रहता है, इसलिए इसको पॉजिटिव माना जाता है। और जो बाहरी मोटिवेशन है वो बहुत दिनों तक नहीं बना रहता है। जब तक उसका बाहरी कारण रहता है, उसका मोटिवेशन रहता है, बाहरी कारण खत्म, तो उसका अप्रेज कोई अगर रिवार्ड के लिए कर रहा है, रिवार्ड मिलना जिस दिन बंद हो गया उसका मोटिवेशन खत्म। लेकिन जो इंटरनल है वो लंबे समय तक चलता है, हमेशा के लिए होता है। अब हम पढ़ेंगे मोटिवेशन साइकिल। मोटिवेशन साइकिल क्या है? सबसे पहले इंसान को नीड होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके लिए फिर वो क्या करता है? ड्राइव करता है। वो नीड उसको ड्राइव करता है। फिर अराउजल, मतलब उसके अंदर बिल्कुल अब एकदम आग पैदा हो जाती है कि मुझे ये चीज़ करना है। ठीक है, नीड को आवश्यकता बोलते हैं। और जब एकदम अंदर आग पैदा हो गई कि अब मुझे करना ही है ये चीज़, तो वो क्या करेगा? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेगा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार।
अब मान लीजिए किसी को आवश्यकता है सी टेट पास करने की, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर ड्राइव हुआ, अब एकदम उसके अंदर आग पैदा हो गई कि मुझे करना ही है, तो फिर वो क्या करेगा, पढ़ाई शुरू करेगा। वो पढ़ाई जो रोज करेगा 3 घंटा 4 घंटा, वो पढ़ाई उसका क्या हुआ, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो गया। अब जब वो 3 घंटा 4 घंटा रोज पढ़ना शुरू करेगा तो क्या हो जाएगा, अचीवमेंट हो जाएगा, मतलब वो सी टेट पास कर जाएगा, अचीवमेंट हो गया। अब अचीवमेंट जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके उत्तेजना में कमी आ जाएगी, आग में कमी आ जाएगी, रिडक्शन ऑफ एराउजल हो जाएगा। अब जब रिडक्शन ऑफ एराउजल हो गया, अब वो सी टेट पास हो गया, तो अब क्या होगा, कोई नया नीड आएगा कि चलो केबीएस करना है, एनबीएस करना है, कुछ नया नीड। अब मान लो किसी को भूख लगी, तो क्या हुआ, आवश्यकता उसकी भूख हो गई, भोजन, ड्राइव, फिर वो भोजन का इंतजाम करने का कोशिश करेगा, फिर वो खाना बनाएगा, खाने का इंतजाम करेगा, उसको खाना मिल जाएगा तो नीड खत्म हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ एराउजल हो जाएगा, फिर उसके उत्तेजना में कमी आ जाएगी, फिर उसकी कोई नई नीड आएगी। इसी तरह से नीड आता है और इसी तरह से खत्म होता है, फिर दूसरा नीड आ जाता है। अप्रोचेज ऑफ मोटिवेशन, कितने तरह के अप्रोच हैं। पहला है बिहेवियरिस्टिक, मतलब व्यवहारवादी, व्यवहारवादी जिसमें स्किनर आते हैं। स्किनर क्या करते हैं, जो व्यवहारवादी होते हैं वो क्या करते हैं, वो आदत डलवाने की बात करते हैं, है ना। व्यवहारवादी जितने भी होते हैं वो आदत डलवाने की बात करते हैं, और स्किनर किसकी बात करते हैं, रिवार्ड और पनिशमेंट की, रिवार्ड और पनिशमेंट। तो इसको रिवार्ड और पनिशमेंट को क्या माना गया, एक्सटर्नल माना गया, बाहरी कारण। और एक है ह्यूमेनिस्टिक, जो जिसमें मास्लो का थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, ये आंतरिक है, इंटरनल। और एक कॉग्निटिव, मतलब दिमाग से रिलेटेड, इसको भी आंतरिक माना गया है, आंतरिक, ये भी आंतरिक है, इंट्रिंसिक है। ये व्यवहारवादी वाला जो है ये एक्सटर्नल माना जाता है। अब स्किनर को थोड़ा सा समझते हैं। स्किनर क्या करते हैं, री इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, पुनर्बलन की बात करते हैं, पुनर्बलन। ये कहते हैं कि रिवार्ड जो है ये दो तरह का होता है, रिवार्ड या पुनर्बलन। पुनर्बलन में रिवार्ड पनिशमेंट दोनों आता है, दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूअस लगातार, और एक होता है कभी कभी। लगातार मिलने वाले अवार्ड को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अगर आप बच्चे को लगातार अवार्ड देंगे, रोज देंगे, तो फिर उसे उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर उसके लिए वो कुछ काम नहीं करेगा, उसके लिए वो कोई नया चीज नहीं रहेगा, उसके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं बचेगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, पार्शियल देना चाहिए, कभी कभी। ये भी दो तरह का होता है, एक है इंटरवल और एक रेशियो। ये इंटरवल जो है, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब है कि हर 7 दिन में देना है तो हर 7 दिन में देना, ये भी गलत होता है, क्योंकि फिर बच्चे को पता है कि हर 7 दिन के बाद मुझे रिवार्ड मिलेगा ही, ये उतना अच्छा नहीं माना जाता। वेरिएबल अच्छा माना जाता है, बच्चे को पता नहीं हो कि कब मिलना है और मिल जाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है इंटरवल के बेसिस पे। एक रेशियो के बेसिस पे क्या होता है, एक होता है फिक्स्ड, जैसे किसी को सैलरी मिलती है तो उसका फिक्स्ड है कि अगर किसी को 25,000 सैलरी मिल रही है तो मिल रही है, तो इसमें क्या होगा, वो उतना काम नहीं करेगा। एक होता है इंसेंटिव, जैसे मिलता है। वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होते रहता है, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड निश्चित। तो जैसे अब उसको है कि इंसेंटिव जैसे मिलता है कि जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, तो इसमें आदमी ज़्यादा काम करता है, ठीक है। इसलिए वेरिएबल अच्छा होता है, फिक्स्ड को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ नीड्स, जो अब्राहम मैस्लो ने दिया है, ठीक है। हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, इसका कहना है कि सब मनुष्य जो है उसकी 5 तरह की आवश्यकता होती है, और पहला स्टेज जब पूरा वो कर लेता है तभी वो दूसरे स्टेज पे जाता है, ठीक है। पहला जब पूरा हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, तभी वो दूसरे वाले पे जाएगा, दूसरा फुलफिल होगा तब तीसरे पे जाएगा, और तीसरा फुलफिल होगा तब चौथे पे, तब पांचवे पे जाएगा। तो सबसे पहला जो नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड यानी कि ऐसी आवश्यकता जिसके बिना कि हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे कि पहले आदि मानव क्या करते थे, खाने का इंतजाम करते थे, शिकार करते थे, पेड़ों से फल को तोड़कर खाते थे, मतलब सिर्फ पेट भरते थे, पानी पीते थे, सांस लेते थे।
तो पेट भरना, पानी पीना, सांस लेना, ये क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड है, जिसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो इसको कहते हैं पहली आवश्यकता। ठीक है, पहली आवश्यकता, ये नीड जो है, ये नीड का पहला लेवल है। उसके बाद जब इंसान का पेट भर जाता है, तब आता है सेफ्टी नीड्स। अब पेट भर गया तो वो सोचेगा कि आज तो पेट भर गया, अब मेरा रोज का इंतजाम हो जाए। फिर वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचेगा। जैसे कि पहले जब आदि मानव का पेट भर गया, तो उसने फिर क्या किया? कृषि करना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया। पशुपालन शुरू क्यों किया? कि चलो आज दूध हो गया, कल भी मिले, रोज मिले। फिर कृषि क्यों शुरू किया? कि आज खाना मिल गया तो रोज मिले। तो फिर वो जब उसका पेट भर जाएगा, तब वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेगा, जिसमें वो सिक्योरिटी देखेगा कि आज तो मिल गया, अब कल भी मिले, मेरे रोज रोज का इंतजाम हो जाए। ठीक है, और जब दूसरा लेवल पहुंच जाएगा, जब उसका पहला नीड भी शुरू हो जाएगा, दूसरा भी पहला पूरा हो गया, दूसरा पूरा हो गया, तब वो तीसरे पे पहुंचेगा। तीसरा क्या है? लव एंड बिलोंगिंगनेस, ये वाला। तो क्या होता है, पहले इंसान का पेट भरा, फिर रोज का इंतजाम किया, तब वो एक जगह स्थिर होकर रहना शुरू किया। पहले एक जगह स्थिर होकर वो रहता नहीं था, फिर उसको लव और फैमिली ये सब की जरूरत हुई, लव और फैमिली ये सब की जरूरत हुई। अब उसको पेट भी भर गया, सेफ्टी भी हो गया, लव और फैमिली भी हो गया। जब तीसरे लेवल पर वो पहुंच जाएगा, तब वो चौथे लेवल पर जाएगा, अब उसको आत्मसम्मान चाहिए। आत्मसम्मान ये वाला, कि सोसाइटी में मुझे इज्जत मिले, लोग मुझे पहचाने। ठीक है, और जब चौथा भी हो जाएगा, तब वो पांचवे वाले पे जाएगा, आत्मसिद्धि। ये पांचवा है आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें वो कहेगा मैं हूँ कौन। फिर वो अपनी भलाई नहीं सोचेगा, फिर वो दूसरों की भलाई सोचेगा। ठीक है, तो ये मैस्लो ने जो कहा है, मैस्लो ने कहा कि पहली नीड पूरी होगी तभी दूसरे दूसरे पे जाएगा, दूसरी पूरी होगी तभी तीसरे पे जाएगा, तीसरी पूरी होगी तभी चौथे पे, और चौथा पूरा होगा तब पांचवे पे जाएगा। लेकिन इसकी आलोचना भी हुई है, कभी कभी इंसान सीधे तीसरे पे पहुंच जाता है, कभी कभी चौथे पे पहुंच जाता है। किसी के पास एक ही रोटी हो और कोई उसके पास मांगने आ जाए, तो वो अपना खाना भी दे देता है, भूखा भी रह जाता है। तो इसीलिए इसकी आलोचना भी होती है। अब जैसे एक क्वेश्चन था कि एक महिला जो है वो अपने बच्चे को बेच देती है, अपने बच्चे को बेच दी। बच्चा बेचना मतलब लव एंड बिलोंगिंगनेस वाले में है बच्चा, तो क्यों बेच देती है? क्यों? क्योंकि वो उसका फिजियोलॉजिकल नीड पूरा नहीं हो रहा है, उसका पेट ही नहीं भर रहा है, तो उसने बेच दिया बच्चे को कि पहले अपना पेट भरेंगे। तो इस नीड को पूरा करने के लिए उसने अपने बच्चे को बेच दिया। ठीक है, अब है कि जैसे ये मिड डे मील दिया जाता है स्कूल में, तो मिड डे मील जो है वो किस लिए दिया जाता है? फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए, कि अगर बच्चे का पेट ही नहीं भरेगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे। तो क्वेश्चन आता है कि बच्चे को जो मिड डे मील दिया जाता है, वो किस पर, नीड के किस थ्योरी पर बेस्ड है? तो वो ह्यूमैनिस्टिक वाले पे बेस्ड है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट पे। बच्चे को जो मिड डे मील दिया जाता है, वो नीड के किस थ्योरी पर बेस्ड है? तो ह्यूमेनिस्टिक पे है, वो फिजियोलॉजिकल नीड है। क्योंकि अगर बच्चे का पेट ही नहीं भरेगा, उसका फिजियोलॉजिकल नीड ही पूरा नहीं होगा, तो वो पढ़ाई नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे विक्रम बत्रा अपना जान दे दिया करगिल युद्ध में, तो उसने, ये फिफ्थ लेवल पे था, तो अपने कौन से नीड को जो है उसने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया इस नीड को पूरा करने के लिए? तो सेफ्टी नीड को। उसको पता था कि मेरा इसमें सेफ्टी नीड जो है वो खतरे में आ जाएगा, मेरी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी वो इस नीड को पूरा करने के लिए इस नीड को उसने खतरे में दे दिया। ठीक है, ये दोनों आया हुआ क्वेश्चन है। अब पढ़ेंगे लर्निंग किस कितने तरह का होता है। लर्निंग तीन तरह का होता है। एक होता है मास्टरी ओरिएंटेड, मतलब बच्चे को जो है किसी भी चीज पर मास्टरी करनी है। ठीक है, तो इसको सबसे अच्छा माना जाता है। मास्टरी ओरिएंटेड जो होता है, ये सबसे अच्छा होता है, मतलब उसमें उसको मास्टरी करनी है, निपुण होना है किसी चीज में। एक होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेस। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन क्या होता है? रिजल्ट के लिए, जैसे मुझे 90% लाने के लिए पढ़ना है,
टॉप करने के लिए पढ़ना, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए पढ़ना। तो जो अच्छा रिजल्ट लाने, परफॉर्मेंस अच्छा होना है, अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए पढ़ना होता है, उसको उतना अच्छा नहीं मनाते कि मैं अच्छा। वो कोई बच्चा इसलिए पढ़ा है क्योंकि उसको अच्छा परफॉर्म करना है, उसको अच्छा नंबर लाना, अच्छा रिजल्ट लाना है, तो इसको उतना अच्छा नहीं माना जाता है। और फेल्योर एवॉइडेंस मतलब असफलता से बचने के लिए, ठीक है, असफलता से बचने के लिए, तो इसको भी अच्छा नहीं माना जाता है कि बस इसलिए पढ़ रहा है कि किसी तरह से पास कर जाए और सफल ना हो, इसको भी अच्छा। अच्छा किसको माना जाता है, मास्टरी ओरिएंटेशन, मास्टरी प्राप्त करने के लिए पढ़ता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्स दैट टेंजिबल इंसेंटिव्स एंड रिवार्ड्स मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, कह रहा है कि इंसेंटिव और रिवार्ड जो है वो लर्निंग के लिए मोटिवेट करता है। ये कौन कहता है, ये बिहेवियरिस्ट कहते हैं, ठीक है। एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन देखिए, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है, जिज्ञासा जो है वो आंतरिक प्रेरणा है, समकक्षियों की सराहना ये जो है आंतरिक नहीं है ये बाह्य है, शिक्षक की प्रशंसा बाह्य प्रेरणा है, और मैच में ट्रॉफी भी बाह्य है, ये तीनों बाह्य है, ठीक है। सिर्फ जिज्ञासा जो है वो आंतरिक प्रेरणा है। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, बाह्य पूछ रहा है, तो एक एक करके देखेंगे। अपने अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए शोध करते समय विभिन्न स्रोतों की सहायता लेना, ये आंतरिक है। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता, ये भी आंतरिक है। सितारा अपने स्व संतोषन मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अपने से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है, ये भी आंतरिक है, उसके अंदर में इच्छा है। नकद इनाम पाने हेतु रेयन एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है, ये इनाम पाने के लिए कर रहा है, जहां भी रिवार्ड पाने के लिए किया जाता है तो वो बाह्य अभिप्रेरणा होता है, ठीक है। ये हिंदी में नहीं है, इसको इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल व्हेन, लर्निंग जो है वो मोस्ट इफेक्टिव मतलब सबसे ज्यादा प्रभावी होगा और मीनिंगफुल होगा कब, इट ऑकर्स इन डी कॉन्टेक्स्टलाइज्ड मतलब कि संदर्भ में नहीं पढ़ाना, कॉन्टेक्स्टलाइज मतलब होता है संदर्भ में पढ़ाना, डी लग गया इसलिए ये गलत हो गया, बच्चे को संदर्भ में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक, डिसकनेक्टेड चंक में नहीं पढ़ाना है, डिसकनेक्टेड मतलब हुआ कि एक दूसरे से जोड़ के, और डिसकनेक्टेड मतलब बिना जोड़े, बच्चे को आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे, जो भी चीज पढ़ाएंगे, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाएंगे तभी बच्चा समझेगा, तो कनेक्टेड होना चाहिए, डिसकनेक्टेड नहीं होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअलाइज होना चाहिए, डिकॉन्टेक्चुअलाइज नहीं होना चाहिए, मतलब गैर संदर्भ में नहीं संदर्भ में पढ़ाना चाहिए। लर्नर्स आर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है, मास्टरी ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है इसलिए ये कट गया। लर्नर्स आर मोटिवेटेड बाय इंट्रिंसिक, आंतरिक रूप से जो है बच्चा मोटिवेट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक, आंतरिक मोटिवेशन का पूछ रहा है एग्जाम्पल। लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक नया लैंग्वेज सीखना। ड्रॉइंग ए पिक्चर टू विन ए कैस, जहाँ प्राइज जीतने के लिए हो गया तो क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक हो गया। पार्टिसिपेटिंग इन ए स्पोर्ट टू विन ए अवार्ड, अवार्ड जो हो गया वो बाह्य अभिप्रेरणा है, और पेरेंट्स प्रेज करे ये बाह्य अभिप्रेरणा है, ठीक है। एक बार हिंदी में देख लीजिए, आप लोग एक बार इंग्लिश में पढ़िए। किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से
कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा? तो ऑप्शन इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्सटर्नल जहाँ है वो तो कट गया, एक्सटर्नल को अच्छा नहीं माना जाता है। इंटरनल, इंटरनल सही होगा, ये भी इंटरनल है, ये भी इंटरनल। इंटरनल स्टेबल और कंट्रोलेबल में जो है कंट्रोलेबल को सही माना जाता है, स्थिर को सही नहीं माना जाता है, जो नियंत्रण में हो उसी को सही माना जाता है। ठीक है, कौन सा देखिए क्वेश्चन जो इस बार आया हुआ है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो हुआ था, कंप्यूटर मोड एग्जाम न्यू पैटर्न पे बेस्ड, सबसे ज्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन पे ही आया था, इसलिए आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक, अंदर से इच्छा, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। दंड से बचने के लिए किया तो बाह्य, प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किया तो बाह्य, और साथियों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए किया तो बाह्य। ये देखिए फिर से आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण पूछा गया है, ये सब जनवरी 22 का आया हुआ क्वेश्चन है। मैं प्रशंसा पाने के लिए यह कार्य करूंगा ना, प्रशंसा बाह्य, सजा से बचने के लिए बाह्य, दूसरे लोगों में अच्छी छवि बन जाए बाह्य, यह कार्य करूंगा क्योंकि मुझे आनंद आता है आंतरिक। ठीक है, एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? किताबें पढ़ रही है जिज्ञासा को शांत करने के लिए, मतलब इंटरनल मोटिवेशन है। इसका ऑप्शन इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एक बार आप हिंदी में ऑप्शन पढ़िए। देखिए, किताब पढ़ रही है अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, मतलब इंटरनली वो मोटिवेट है। ठीक है, तो अवॉइडेंस वाला ऑप्शन तो कट गया। अप्रोच में क्या होता है, मास्टरी को अच्छा माना जाता है, वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है, तो वो परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस को ऐसे भी निगेटिव माना गया है, परफॉर्मेंस के लिए वो नहीं पढ़ेगा जो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है, वो मास्टरी के लिए पढ़ेगा। ठीक है, और मास्टरी को ही अच्छा भी माना जाता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं होगी? नहीं पूछा है, नहीं को ध्यान रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा है। निपुणता उन्मुख लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, ये एक पॉजिटिव बात है। सहयोगी शिक्षण को लोकाचार, सहयोगी शिक्षण लोकाचार बनाना, ये भी सही बात है। सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षण संबंध, ये भी एक पॉजिटिव, ये तीनों पॉजिटिव है। विद्यार्थियों में क्षमता को अस्थायी देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये ही एक निगेटिव बात है, तो यही इसका सही आंसर। एक बार आप लोग इंग्लिश में भी ऑप्शन देखिए, मास्टरी ओरिएंटेड एक पॉजिटिव चीज है, कोलेबोरेटिव लर्निंग एक पॉजिटिव चीज है, और टीचर और स्टूडेंट में अच्छा रिलेशन कल्टीवेट करना, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। तो होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।